जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर आई है, एसआई स्टाफ नर्स भर्ती 2022। कहाँ से? आईटीबीपी से, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से। लास्ट डेट क्या होने वाला है, मैक्सिमम एज क्या होगी, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, इसकी फीस कितनी होने वाली है, सिलेबस कितने होने वाला है, एग्जाम कब होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सारी जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि इस वैकेंसी को आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा कि शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है, पूरी जानकारी कहीं नहीं दे रहा है कि इसमें आपका फिजिकल कितना होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ विथ प्रूफ के साथ। सिलेबस वगैरह भी सब कुछ दिखाऊंगा और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसकी भी झलक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा प्रयागराज.com वेबसाइट पर। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे 17/8/2022 से। लास्ट डेट 15/9/2022 है। फीस जमा करने की, एग्जाम फीस जमा करने की 15/9/2022 है। एग्जाम डेट अभी शून है और एडमिट कार्ड भी अभी क्लियर नहीं है, तो एडमिट कार्ड तो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। इन केस एग्जाम आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा, एग्जाम डेट आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है किसी भी कारणवश, तो इसके लिए हमारा ट्विटर अकाउंट है, आप फॉलो करेंगे तो दो तीन चीजें फायदा होंगी। पहले की वीडियो से पहले आपको ट्विटर पे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहली चीज, आप यहां से अपडेट हो सकते हैं। दूसरा, सिलेबस वगैरह कोई डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो आप ट्वीट करेंगे तो यहीं पर तो मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा और आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा दूंगा। सेम प्रोसीजर आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर है, इंस्टाग्राम पर आइए, फॉलो कर लीजिए, नई नई जॉब की नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है प्रयागराज रिजल्ट, आपको यहाँ पर नई नई जॉब की वीडियोस देखने को मिलेगी। वीडियो देखिए और अपडेट हो जाइए और अपने नई जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तैयारी कैसे करना है, तो प्रयागराज अध्ययन पर आए, डायरेक्टली यहाँ पर आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर क्लासेस, क्लासेस किस चीज का, करंट अफेयर, जीके, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह की, तो ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी आइए देख लेते हैं आगे। इस फॉर्म को भरने के लिए फीस कितनी लगेगी, फीस कितनी लगेगी, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को ₹200 देना है, एससी एसटी पीएच और एक्स सर्विसमैन सभी को आपको ₹0 देना है, मतलब फीस नहीं लगेगी इन कैंडिडेट्स के लिए। पैसे कैसे देना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसे जमा कर सकते हैं। एज की गणना 15/9/2022 के अकॉर्डिंग होगा। मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 साल होने वाली है। बाकी देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपको आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर, एसआई, दरोगा भर्ती, तो स्टाफ नर्स की भर्ती अनुसार कैटेगरी वाइज कितनी छूट मिलेगी। तो मैं पहले से ही बता दूं कि आपको एससी एसटी और ओबीसी, ये तीन कैटेगरी है जिसमें एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। इसका भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट 18 है, 18 टोटल पोस्ट है। आईटीबीटी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, दरोगा भर्ती, स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है इसमें 18 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन देखेंगे तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास आउट हो या इसके साथ केंद्रीय या फिर राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीकृत के साथ सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जनरल जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हों। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकते हैं और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको थोड़ा सा वरीयता मिलेगा। 18 पोस्ट है, जनरल के लिए 11, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, टोटल 18 पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि सिलेबस, आपका फिजिकल टेस्ट, आपका रिटेन टेस्ट, आपका कितने नंबर का होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, ये सारी जानकारी। तो अगर आप देख रहे होंगे कहीं दूसरी जगह तो शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर देखिए, शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का है जो कि आपको सभी लोगों ने, सभी वीडियो पे आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर भरी पड़ी हुई होगी, यहीं से आपको सारी जानकारी दिखा रहे हैं कि आपकी सैलरी 35,000 से 1,12,000 होगा, आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर दे रहे होंगे।
क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखा रहे होंगे आपको कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पर SC ST OBG एक्सटर्नल वाले को क्या है डेट वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ पर, ये तो सब कुछ आपने देख रखा शॉर्ट नोटिफिकेशन। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग नोटिफिकेशन, हालांकि अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं वेबसाइट के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। तो ये वेबसाइट का लिंक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, इसको आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर देखिए ये रहा रिक्रूटमेंट स्कीम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन आ जाएगा, और आपको क्या करना है सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, बिटवीन 21 से 30 वर्ष रखा गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसका जो है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले टॉप पर देखिए यहाँ पर मार्क्स पोस्ट दिया हुआ है, एज एंड कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन है टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, हाइट आपकी दी हुई, देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन में नहीं दिया लेकिन हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, चेस्ट वगैरह दिया हुआ है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है, पिट यानी कि जो फिजिकल जो होने वाला है आपका 100 मीटर दौड़ के लिए, तो ये अलग वैकेंसी के लिए है। अभी आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हैं, एग्जामिनेशन फीस देख सकते हैं, शेड्यूल एग्जाम देख सकते हैं। तो ये कैटेगरी है। अब आपको इसको कुल मिला के नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर नर्स वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, सब इंस्पेक्टर नर्स के 21 से 30 वर्ष आपका एज होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन के लिए अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर SC ST वालों को जो है आपको देखने को मिलेगा। OBC देखिए जैसे OBC को 3 साल है, SC ST को 5 ईयर होगा, आप देख सकते हैं यहीं पर, यहाँ पर देखिए ये 5 ईयर लिखा हुआ है, 5 ईयर फॉर शेड्यूल कास्ट और SC ST के लिए, और 3 ईयर आपको देखने को मिल जाएगा OBC के लिए। इसी तरह एक्स सर्विस मैन वालों के लिए भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, तो इंटरमीडिएट 10+2 आप पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, साथ में GNM आपकी ये हो, और आपके पास अगर ये 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस एज अ नर्स, ठीक है, तो वो तो बेस्ट है। बाकी हैविंग पास्ड द एग्जामिनेशन जनरल नर्सिंग मेडवाइफरी जो मेन है वो आपके पास GNM की डिग्री होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी जो है हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। चेस्ट चेस्ट वगैरह अगर आप देखेंगे तो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई नहीं है। बाकी अदर स्टेट के लिए अगर हाइट में आप जाएंगे तो जैसे सिक्किम हो गया, HP मतलब हिमाचल प्रदेश हो गया, लेह हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप जाएंगे तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो, और STS में जाएंगे तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो। फीमेल ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स 150 सेंटीमीटर भी चलेगा, ठीक है। ये हाइट के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका सिलेबस होने वाला है 200 मार्क्स का होगा, और सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो 200 रुपये आपकी फीस रखी गई है, आप 200 रुपये आपको रखा गया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो SC ST और एक्स सर्विस मैन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फ्री है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में PST यानी फिजिकल टेस्ट जो आपका होने वाला है, फिजिकल टेस्ट सबसे पहले मतलब होगा डॉक्यूमेंट में, सेकेंड में, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं, और यही शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी वही सारी जानकारी दी गई है। तो आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन से लेना है, फुल नोटिफिकेशन से सब कुछ लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये रहा। तो ये रही वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट तो मेन वेबसाइट ये है, मेन वेबसाइट का लिंक हालांकि मैंने नहीं दिया है, इसको आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है यहाँ पर, ठीक है, ये भर्ती के नीचे। तो जैसे जैसे ही भर्ती के नीचे रहेंगे 1 सेकंड या 2 सेकंड आप वेट करेंगे तो
तो आपको नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ले बोल रहे हैं हमारी जो न्यूनतम नवीनतम वेबसाइट है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आएगी। तो इसका लिंक मैंने जो है यहाँ पर दे दिया है तो इस वेबसाइट पे, हालांकि वेबसाइट दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे और रिक्रूटमेंट स्कीम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, हालांकि अभी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरीके का, जैसे ये है, इसी तरीके का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा। तो ये सारी जानकारी मुझे आपके साथ शेयर करना था। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे बता रहे हैं, हालांकि मैंने ऐसे आपको बताया, इसका फॉर्म 17/8/2022 से भरा जाएगा। तो जैसे फॉर्म भरा जाएगा, यदि आप फॉर्म भर पाते हैं तो ठीक है, नहीं भर पाते कॉन्टेक्ट कीजिए, फॉर्म फ्री में मैं भरवा दूंगा। बाकी हमसे कांटेक्ट करना है तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम का लिंक ये रहा, आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।